पार्टी में, कभी उस पार्टी में, बिहार में कोई विकास अभी हो नहीं रहा है। हाँ। खाली पेपरबाजी हो रहा है, बकंडर हो रहा है। वो पलटू राम है, कहूँ चल जाएंगे यहाँ से। कहे पलटू राम है वो, तो वो कुछ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं सरकार में? छोड़ा, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं करवा रहे हैं। नीतीश कुमार पलटू राम है एकदम। हाँ, पलटू राम है। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूँ यति आपके साथ। आज हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान पे, जहाँ हम लोगों से कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के, जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है कुढ़नी में, उसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किसकी जीत हो सकती है, जो कयांश लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक लोगों का क्या कहना है, ये हम लोगों से बात करते हैं। ओके अंकिल, क्या लगता है आपको? बोला जा रहा है कि AIMOVC की जो पार्टी है उसको BJP का सपोर्ट सिस्टम बोला जा रहा है, ये सही बात है? झूठ बोल रहा है सब। सब कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। सब अपना अपने के लिए लड़ रहा है। अब केडर वोट भाजपा का है, उसका मिलवे करेगा, इसलिए भाजपा जीतवे करेगा। तो अभी तो मुकेश सहनी भी खड़े हो गए, अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, वाला नहीं है, उसे नुकसान नहीं पहुँचने वाला किसी पार्टी को? कोई के नहीं। चाचा भतीजा का जो जोरी कहा जा रहा है महागठबंधन, आपको क्या लगता है इसको नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, पहुंचेगा। किस तरीके से पहुंचेगा इनको नुकसान? इसलिए कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, बिहार में कोई विकास अभी हो नहीं रहा है। हाँ। खाली पेपरबाजी हो रहा है, बकंडर हो रहा है, तो इससे कोई संभव नहीं है। नहीं, विकास में मतलब बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा है? भाजपा रहा, विकास हुआ गाँव घर सब जगह, मगर अभी कोई विकास नहीं हो रहा है, खाली पेपरबाजी हो रहा है, जनता को गमरिया कर रहा है। AIMIM जो खड़ी हुई है, अपना जो उम्मीदवार खड़ा किया है उन्होंने वहाँ से कुंडी से, तो क्या लगता है इससे महागठबंधन को नुकसान पहुँचेगा कि नहीं? कोई नुकसान नहीं किसी को है, वो सब अब वोट काटने वाला है गठबंधन के जो भी है ना। तो वोट काटेंगे AIMIM के? काटेंगे, गठबंधन का ही नहीं काटेगा कोई, BJP का वोट नहीं कटेगा वहाँ से। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा वहाँ से कुंडी? भाजपा जीतेगा, केदार गुप्ता, केदार गुप्ता जीतेगा। हाँ, नीतीश सरकार जो ये बनाई है महागठबंधन, पहले वो BJP के साथ थी, उस समय फायदा आपको दिख रहा था कि अभी जो महागठबंधन में जो आई है इससे आपको फायदा दिखाई दे रहा? फायदा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो जैसे जी रहा है उसे जी रहा, अपना वैसे जी रहा है। हाँ। ये कमा रहा था, खा रहा, नहीं कमाएगा तो कहाँ से खाएगा? कहाँ से खाएगा, सही बात है। यहाँ पे भैया जो बेरोजगार पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो उपचुनाव जो होने जा रहा है अभी गोपालगंज मोकामा में हुआ, तब ना उसका बारे में निर्णय किया जाएगा। उसके बारे में भैया ये बोला जा रहा है कि मुकेश सहनी भी इस बार खड़े हुए हैं, जो VIP पार्टी के जो वो हैं, तो क्या लगता है आपको उसकी वजह से जो BJP है या फिर महागठबंधन है उसको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो समय ही नहीं बताएगा, हम पहले कैसे बता देंगे? हम वैज्ञानिक थोड़ी है कि हम बता देंगे। सब जब समय होगा जब देखा जाएगा, पता चलेगा। सही बात है। और ये भी कहा जा रहा है, कैसे पता चल जाएगा क्या होगा नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ विपक्षी दल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, कहना खाली अफवाह बात फैलाने के। नहीं, उनका ये कहना है कि गोपालगंज में जो BJP जीती है वो AIM जो ओवैसी की जो पार्टी है उसके वजह से जीती है। किसके वजह से जीती है ये लोग? हम BJP का कोई अस्तित्व नहीं है, वोट डालेंगे बस, क्या हो रहा है बिहार में नहीं हो रहा, हम उसको खाली देखभाल करेंगे। BJP का कोई अस्तित्व नहीं है ये बोल रहा है लोग? अस्तित्व नहीं है कि हाय, आप कैसे हम मत बता सकते हैं? अभी आप वोट देते हैं? हम वोट देते हैं, वोट देते तो आपका तो होता है ना, आप तो अपना बोलेंगे ना, कैसे आपको सामने बोल देते हैं BJP को? नहीं, आप नीतीश कुमार और जो ये बना है जो महागठबंधन, आपको क्या लग रहा है कि ये महागठबंधन किस तरीके से फायदेमंद है गरीब लोगों के लिए? फायदेमंद से होगा तो इसको कुछ पता चलेगा तब ना उसको। अभी वो BJP के साथ थे, फिर वो अभी महागठबंधन में आ गए हैं, चल गया तो क्या उसको, उनको क्या क्या कह रहे हैं भैया? वो पलटू राम है, कहूँ चल जाएंगे यहाँ से। कहे पलटू राम है वो, तो वो कुछ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं सरकार में? छोड़ा, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं करवा रहे हैं। नीतीश कुमार पलटू राम है एकदम। हाँ, पलटू राम। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो है वो बता रहे हैं, जो कुढ़नी में जो विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी ये लगाया जा रहा है कि AIMIM जो है वो BJP की बैक सपोर्टर बनी हुई है, BJP कंधे पर बंदूक रह के चला रही है उनके, आपके हिसाब से ये कितने प्रतिशत तक सच है, आप हमें ज़रूर हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।